हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीड रोजी। आई एम रोजी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज का जो वीडियो है एक मेकअप लुक है। ये मेकअप लुक बहुत ही सिंपल है, इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कंसीलर से मैं मेकअप करने वाली हूँ। और इस वीडियो में कुछ आपको ब्यूटी हैक्स भी मैं बताने वाली हूँ। ये मेकअप लुक आप किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हो। अभी राखी आने वाली है तो उसमें आप लोग ये मेकअप लुक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम स्किन केयर करेंगे। स्किन केयर करने के लिए मैं गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप टोनर यूज़ नहीं करते तो टोनर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके फेस को हाइड्रेट करता है और जो भी मेकअप लगाते हो तो आपके स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होने देता है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर और प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो। आपको अपने फेस पे पूरे अच्छे से अप्लाई कर लेना है और तब तक ब्लेंड करना है जब तक आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपने लिप को भी मॉइस्चराइज करने के लिए इमामी का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से अपने लिप पर लगा लेना है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर होम्योपैथिक फेयरनेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कोई भी फेयरनेस क्रीम है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। पूरे फेस पे लेके अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से इसको अप्लाई करना है, अपने गर्दन पे भी अप्लाई करना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैं यहाँ अपने हैंड से ही ब्लेंड कर रही हूँ, किसी ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं एक फेयर मतलब एक ग्लो आ गया है मेरे फेस पे। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये कंसीलर मीडियम कवरेज देता है, हाई कवरेज नहीं देता है। जैसे राखी आ रही है, मैं ये राखी के लिए ही मेकअप कर रही हूँ, तो इसमें मीडियम कवरेज ही ठीक लगता है, हाई कवरेज अच्छी नहीं लगती है। आप अगर यहाँ चाहो तो लेक्मे का सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। और मैं अपने बेस के लिए भी इसे अपने आई पे लगा लूँगी और पूरे फेस और गर्दन पे अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से इसको बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से इसे अपने आई पे लगा लीजिए। उसके बाद जो है एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हो ब्लेंड, बट मैं यहाँ पे ब्रश से ही ब्लेंड कर ली हूँ। अच्छे से ब्लेंड करना है कि आपके फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है, और जो मैंने प्राइमर लगाया था उसकी वजह से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा था, जो कि एक एलोवेरा जेल है, प्राइमर नहीं है, बट बहुत अच्छा वर्क करता है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेरा सेट जो है वो 234 है। अच्छे से लेके पूरे अच्छे से इसे जो मैंने बेस बनाया था उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। बेस को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो यहाँ लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है मैं यहाँ आई शेडो के लिए न्यूड मेबलिन का न्यूड पैलेट लिया है। इसमें से मैं लाइट पिंक कलर का लेके सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जिससे मुझे आइडिया आ जाए कि मुझे आई शेडो जो है वो एक्स्ट्रा ना लगे, उतना ही लग सके जितना मुझे ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो सिर्फ हल्की सी आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आप कोई भी न्यूड कलर लेके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो है मैं जैकलिन का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं जो पिंक कलर का आई शेडो है मैं वो लूँगी। आपको अपने फेस सॉरी आई पे लगा लेना है। आपको इसे अपने क्रीज पे लगाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आई शेडो के लिए ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ब्लेंड नहीं करोगे आई शेडो का कलर निखर के नहीं आएगा। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है जब तक आपका डिजायर कलर नहीं मिल जाए। उसके बाद जो है मैं अपने ड्रेस से मैचिंग ही ब्लू कलर का आई शेडो ले रही हूँ। ये आई शेडो पहले ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लगाना है। आपको अभी ब्लेंड नहीं करना, आपको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लगाना है और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको इस तरह से ब्लेंड करना है कि जो आई शेडो है वो ऊपर ना लगे, आपको सिर्फ उतना ही दूर पर लगे, आईलेट पर ही लगे, क्रीज के ऊपर नहीं लगनी चाहिए आई शेडो। फिर इसके बाद जो है मैं अच्छे से इसे लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डिजायर कलर नहीं मिल जाता। उसके बाद जो है एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने दोनों आईज में अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ आईलाइनर के लिए ब्लू हेवन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल आईलाइनर लगाना है, बस पतला सा मैं ड्रॉ करूँगी, मुझे चौड़ा में आईलाइनर नहीं लगाना है, बस पतला सा लेके अच्छे से इसे लगा लेना है। आप देख सकते हो उसके बाद जो है मैं यहाँ एसक्यू का काजल यूज़ कर रही हूँ। इसे भी बस हल्का सा ही मुझे यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा गहरा में नहीं लगाना है मुझे काजल।
काजल। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे हल्का सा जो है अपने लाइन के पास से इसे निकाल लूँगी, आई कॉर्नर के पास से इसे निकाल लगा लूँगी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ही आई शेडो लेके अपने लोअर आई लेस पर भी लगा लिया है। उसके बाद जो है यहाँ आईब्रो सेट करने के लिए मैं यहाँ लॉरियल का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये ब्राउन शेड में है। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप आईब्रो पेंसिल लो तो ब्राउन कलर का ही लो, आपको एक नेचुरल लुक देता है। आप देख सकते हो अच्छे से मैंने इसे लगा लिया है। उसके बाद जो है मस्करा के लिए मैंने यहाँ लेकमे का 925 मस्करा लिया है। ये जो मस्करा है एक वाटरप्रूफ मस्करा है, बहुत ही अच्छी मस्करा है, आप लोग चाहो तो इसे ले सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलें। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कंटूरिंग के लिए वो जो ब्राउन कलर का आई पेंसिल था मैं उसी को लेके कंटूरिंग करूँगी। अगर आपके पास कंटूरिंग नहीं है, कंटूर पैलेट नहीं है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, ये एक ब्यूटी हैक्स है। अगर आपके पास कोई भी कंटूर पैलेट नहीं है तो आप किसी भी ब्राउन सेट का आईब्रो पेंसिल को लेके इसे यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है और एक अच्छा सा लुक दे देता है। कंटूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे फेस को पतला कर देता है, शेप में ला देता है, तो आप लोग कंटूरिंग करना कभी भी स्किप ना करें। अब देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी कंटूर पैलेट नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जो है मैं मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे एक ब्रश की हेल्प से मैं हाईलाइट कर लूँगी, अपने चिक पे कर लूँगी, अपने नोज़ पे कर लूँगी और अपर लिप के पास भी करूँगी और अपने आईब्रो को भी हाईलाइट करूँगी। आईब्रो हाईलाइट होता है ना तो आपका फेस बहुत ही अच्छा दिखता है। आप देख सकते हो आपको हाईलाइटर लेके अपने आईब्रो के पास लगा लेना है और बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। ये जो हाइलाइटर है बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड देता है, तो आप लोग चाहो तो इसे ले सकते हो। ये जितने भी प्रोडक्ट है मैंने purple.com से लिया था, इस सब का लिंक मैं दे दूँगी। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है वो लोग मेरा टाइटल क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलें। उसके बाद जो है मैं जो जैकलिन का जो आई शेडो पैलेट था उसी में से मैं ब्लश ले रही हूँ, पिंक कलर का लेकर मैं इसे एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हो और अच्छे से लेके आपको लगा लेना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा पिगमेंटेड दे दिया, पिगमेंटेड है ये आई शेडो। उसके बाद जो है ये 9 का लिपस्टिक है, पिंक कलर में है। आप चाहो तो यहाँ कोई भी कलर ले सकते हो बट मुझे पिंक अच्छा लगा तो मैंने पिंक यहाँ यूज़ किया है। अच्छे से लेके अपने लिप पे लगा लूँगी, आप देख सकते हो। उसके बाद जो है एक सिंपल सा इयर रिंग पहनूंगी। ये इयर रिंग जो है ये गोल्ड कलर में है, मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। फिर उसके बाद जो है एक सिंपल हेयर स्टाइल करूँगी। पफ मैंने पहले ही बनाया था और अपने हेयर को खोल लिया है और अच्छे से कर लेना है आपको। आप चाहो तो यहाँ कोई भी आप बन भी बना सकते हो, या आप अपने बाल को पूरे अच्छे तरह से खोल भी सकते हो या आप पफ भी बना सकते हो। तो ये था मेरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।